भी कायम रहेगा। किसी और का टाइम है, आप आके ये कह रहे हैं कि हम पहले करेंगे। आप आ जाए हमारे साथ बैठे, पहले जिनका वैसे भी खत्म हो गए, पहले जिनका ठीक है। ओके 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 ओके, मालूम नहीं था कि किसी का टाइम है। बस ठीक आदमी ने आपको कहा है कि आप पहले किसी का टाइम है। यहां से निकलकर इमरान इस्माइल साहब और उनके अहदेदारान और कारकुनान कराची प्रेस क्लब पहुंचे। कराची प्रेस क्लब में वो जाकर जबरदस्ती पहले से एक तयशुदा प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर होनी थी, जबरदस्ती वहां कुर्सियों पर कब्जा करके बैठ गए और वहां पर जो लगे हुए कैमरे थे उनसे उन्होंने बात करनी शुरू कर दी। जब प्रेस क्लब की इंतजामिया को पता चला कि वो एक अनस्केजुअल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और किसी और को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उन्होंने जाकर वहां पर उनको रोका जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से और चलती हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरे बंद करा दिए। और जब कैमरे बंद कराए और उनको कहा कि ये कोई तरीकाकार नहीं है, अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो पहले से एक स्केड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने पैसे दिए हैं, दरखास्त दी है, टाइम लिया है प्रेस क्लब से, प्रेस क्लब की इंतजामिया ने उनको वक्त मुकर्रा दिया है, पहले उनको करना दीजिए उसके बाद आप कर लीजिएगा। मगर वो प्रेस क्लब की इंतजामिया को भी बुरा भला कहते, गालियां देते और एंगलिंग मुख्तलिफ अपनी तरह की जो एक मखसूस माइंड सेट है उसके साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकी और वो वहां से चले गए। प्रेस क्लब की इंतजामिया कहती रह गई कि इसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिएगा आप, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया।